स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ए एस मैथ्स में मैं आज आपको बताने वाला हूँ एनालिटिक कंटिन्यूस फंक्शन जो कि एम एस सी सेकेंड सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है तो स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ डेफिनेशन डेफिनेशन देखते हैं तो देखिए लेट एफ वन जेड बी एनालिटिक एफ वन जेड क्या है यहाँ एनालिटिक है इन ए डोमेन डोमेन डी वन देखिए लेट एफ जेड बी एनालिटिक एफ वन जेड क्या है एनालिटिक है एंड डोमेन क्या है यहाँ डी वन है एंड सपोज वी कैन फाइंड अ फंक्शन सपोज वी कैन फाइंड अ फंक्शन एफ टू जेड विच इज़ एनालिटिक इन अ डोमेन डी टू यानी एफ टू जो एफ टू जेड फंक्शन हम फाइंड करेंगे डोमेन डोमेन डी टू में सच दैट डी वन एंड डी टू हैव एन इंटरसेक्शन डी वन और डी टू जो डोमेन है उनका जो इंटरसेक्शन है इफ़ एफ वन जेड इज इक्वल टू एफ टू जेड इज द कॉमन पार्ट यानी एफ वन जेड इज इक्वल टू एफ टू जेड का कॉमन पार्ट आएगा ओके इंटरसेक्शन करेंगे तो देन वी से दैट एफ टू जेड इज द एनालिटिक कंटिन्यूस ऑफ एफ वन जेड फ्रॉम डी वन इन टू डी टू वी आर डी वन इंटरसेक्शन डी टू और वी में इक्विलेंटली से दैट एफ़ वन इज़ अ एनालिटिक से देट एफ वन इज़ अ एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ एफ टू तो फ्रेंड्स ये डायग्राम देख सकते हैं आप ए, एक क्या है डी वन डोमेन एंड डी टू दो दोिटिक एनालिटिकल फंक्शन लिए हमने जहाँ डोमेन डी वन एक है और डी टू एक है जब इनके बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो जहाँ इंटरशेक्शन होगा जहाँ कॉमन कॉमन पॉइंट आएगा उसको उसी उसको ड्रा करेंगे तो कॉमन रीजन बोलेंगे उसे ठीक है कॉमन रीजन बोलेंगे तो इसे हम प्रूफ करेंगे कि भाई ये कॉमन रीजन किस प्रकार से निकलेगा ओके तो यही है एनालिटिकल फंक्शन में हम कॉमन फ्लेक्सिबल रीजन निकालते हैं तो प्रूफ लेट एफ वन जेड भी एनालिटिक एफ वन जेड क्या था यहाँ एनालिटिक इन डोमेन डी वन यानी एफ एफ वन जेड जो है एनालिटिक का फंक्शन है और इसमें डोमेन डी बिलोंग कर रहा है सपोज दैट एफ टू जेड इज़ द एनालिटिक कंटिन्यूस ऑफ एफ वन जेड इन टू द डोमेन डी टू वी आर डी डी वन इंटरसेक्शन डी टू जब करेंगे तो विच इज़ द डोमेन कॉमन टू बोथ डी वन एंड डी टू जो कॉमन डोमेन होंगे डी वन एंड डी टू के इट मीन्स दैट एफ वन जेड इज इक्वल टू एफ टू जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग टू क्या हो जाएगा डी वन इंटरसेक्शन डी टू इक्वेशन नंबर वन वी आर वी आर रिक्वायर्ड टू प्रू देट एफ टू जेड इज यूनाइ इन डी टू हम जो रिक्वायर्ड प्रू दैट है एफ टू जेड इज यूनाइ होगा डी टू में सो लेट सो लेट जी टू जेड बी एन अदर एनालिटी कंटिन्यूस ऑफ एफ वन जेड इन टू द डोमेन डी टू यू आर डी वन इंटरसेक्शन डी टू देन क्या हो जाएगा एफ वन जेड इज इक्वल टू जी टू जेड जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी वन इंटरसेक्शन डी टू इससे हम इक्वेशन नंबर टू दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से अब हम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से एक रिजल्ट निकालेंगे एफ टू जेड इज इक्वल टू जी टू जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी वन इंटरसेक्शन डी टू हो जाएगा दस एफ टू जेड एंड जी टू जेड आर टू फंक्शन एनालिटिक इन द डी टू द द कॉन्साइड इन डी वन इंटरसेक्शन डी टू इट देन फॉलो एफ टू जेड इज इक्वल टू जी टू जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग टू डी टू यानी एनालिटिक फंक्शन डी टू में भी कॉमन पॉइंट होंगे तो ये था हमारा एनालिटिकल फंक्शन जो कि हम डी वन डोमिन डी वन और डी टू के बीच में हमको कॉमन पॉइंट निकालना था तो ये हमने निकाल ली इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिक कंटिन्यूस अभी हमने एनालिटिकल फंक्शन पढ़ा था एनालिटिक कंटीन्यूस फंक्शन डेफिनेशन देखें इसी की हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनालिटिक कंटिन्यूस की तो थैंक यू आज की वीडियो के लिए